नमस्कार दोस्तों। देखो ये जो हमारे गांव में ये पूरे सेट माता चतुर्भुजा के मंदिर की तरफ कंप्लीट लग चुके हैं। ये पूरी नज़ारा देखो सुबह सुबह का, बादल जो है धरती में ऐसे उतर आए हैं जैसे धरती को चूम रहे हों। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। आसमान में घने बादल हैं, बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है और हो सकता है बर्फ़बारी भी एक दो दिन में हो जाए क्योंकि ठंड बहुत है। और ये दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर विज़न, कोई पोल्यूशन नहीं, फ्रेश हवा। और जो सामने आपको बादल दिखाई दे रहे हैं वो धौलाधार की पहाड़ियां हैं जिनमें बर्फ़ है, बर्फ़ से ढके हुए हैं और अभी वहाँ बर्फ़ पड़ रही है इसलिए जो है आपको ऐसा नज़ारा दिख रहा है वहाँ पे। इनको धौलाधार की पहाड़ियाँ बोलते हैं। इनकी सारा साल यहाँ ठंडी हवा चलती रहती है। और ये वो रास्ता जो माता के मंदिर में और हमारे गांव से होता हुआ नीचे जो मेन सड़क है वहाँ तक है। इसकी काफ़ी सुविधा हो गई है। अब जैसे आज मैं मंदिर जा रहा हूँ तो छतरी लेके नहीं गया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा गाँव नीचे, ये सुबह का नज़ारा है। बड़ा ही शानदार ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक दो घंटे बैठ के बस इन वादियों को निहारते रहो। बहुत अच्छा लगता है, ताज़ी हवा है ना। इस माहौल में अगर हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक अगर डेली करें तो मुझे लगता नहीं है कि हमें कोई बीमारी पकड़ पाए। इससे फ्रेश हवा और कहीं नहीं मिल सकती। ये हमारा खूबसूरत हिमाचल, हिमाचल में हमारा छोटा सा गांव देवनगर। ये देखिए, कभी बचपन में हम यहाँ आते थे पशुओं को चराने के लिए। साल में 3-4 बार ही जाना होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। बारिश फिर चालू हो चुकी है और रास्ता मैंने गलत चूज कर लिया। इधर से शेड नहीं है, पहली तरफ से मैं आया नहीं तो इसलिए। देखिए यहाँ पे हम खेलने कूदने के लिए, कि अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे, बच्चे खेलने के लिए भी आते हैं। और बहुत ही शानदार दृश्य। अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्यास नदी का नज़ारा। ये देखिए व्यास नदी का नज़ारा, दूर आपको दिख रही होगी वो व्यास नदी है। वो देखिए ये व्यास नदी का नज़ारा है। इतनी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। और ये नीचे जो रोड गई हुई है सरका घाट होते हुए घुमारवीं और बिलासपुर होते हुए चंडीगढ़, देखिए क्या शानदार नज़ारा। ये सुबह का नज़ारा है, बारिश चालू हो चुकी है। और ये पास में हमारा मंदिर, जो टावर दिख रहा है इसके पास में मंदिर है। अभी 5-7 मिनट में मंदिर पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से आपको दिखाऊंगा। देखो बादल कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे धरती से बादल ऊपर उठ रहे हैं। बड़ा शानदार नज़ारा बादलों का, देखिए कैसे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर करें, धन्यवाद। मंदिर की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ फिर। ओके नमस्कार।